दोस्तों आज जो वीडियो है वो हमारे एक मित्र ने कराई कि जो एसीबी की जो रेटिंग होती है, एसीबी के ऊपर आपने देखा होगा जो एक चार्ट बना होता है उसके ऊपर बहुत सारे एक रेटिंग होती है, इसको हमको सेट करना पड़ता है। तो इनकी सेटिंग कैसे होती है, एसीबी का जो माइक्रोलॉजिक जो कंट्रोलर होता है, ठीक है, ये एक माइक्रोलॉजी कंट्रोलर होता है और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। हमारे एक मित्र है गणेश नाम के, उन्होंने एक क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता चलता हूँ, आज मैं आपको इसको कॉपी के अंदर बताऊंगा, आगे जाके मैं इस पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको सभी एसीबी के ऊपर आपको यही चीज़ मिलेगी और आप वीसीबी की भी सेटिंग कर पाओगे इसको वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों देखो, आपको मैं सबसे पहले सिंपल चीज़ बताता चलूँ। देखो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है आपकी एसीबी के ऊपर, वो देखनी है आईआर, आईएचडी और आईजी, ये तीन चीज़ लिखिए और एक चौथी आईआई, ठीक है। तो इन चारों का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको इन चारों का मतलब जानना चाहिए। तो दोस्तों जो आईआई का आईआर का जो मतलब है, ठीक है, एक होता है आईआर। तो दोस्तों ये जो आईआर जो होता है ना, इस आईआर का मतलब होता है ओवरलोड सेटिंग, ठीक है। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है ये, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में आईआर के बाद में एक आईएचडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे जो है ये टाइम है, ठीक है, इस टाइम को तो बाद में मैं आपको क्लियर करता हूँ। आईएसडी का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है शॉर्ट सर्किट। आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट करंट, तो वो शॉर्ट सर्किट की सेटिंग आईएसडी में करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और लिखी होती है आईजी, ठीक है। तो इस आईजी का जो मतलब होता है वो होता है ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। आईजी जिसको हम बोलते हैं अर्थ फॉल्ट, या फिर हम ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट। और एक और होता है दोस्तों आईआई, ठीक है। इसका जो होता है, इसका मतलब होता है आईआई, इसका मतलब होता है इंस्टेंशन करंट, ठीक है। इसका मतलब होता है इंस्टेंशन करंट, ठीक है। अब मैं आपको इन सबका मतलब बता देता हूँ कि इन सबका नाम तो मैंने आपको बता दिया, अब इन सबका एक बार मैं मतलब बताता हूँ कि इन चारों का मतलब क्या क्या होता है, क्या इनका काम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है आईआर, आईआर का मतलब होता है दोस्तों, देखो दोस्तों हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, देखो एक एमसीबी भी खरीदते हैं, एक एसीबी भी खरीदते हैं, या एक वीसीबी भी खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर एक करंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटेड करंट, ठीक है, रेटेड करंट। तो रेटेड करंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है जैसे 4000 एम्पियर की हमारी एसीबी है, तो वो जो 4000 एम्पियर है उसका रेटेड करंट है। हम जो एमसीबी खरीदते हैं 63 एम्पियर की होती है, कोई 25 एम्पियर की होती है, ऐसे एमसीबी होती है हमारी। तो जैसे अगर एसीबी जो है, एसीबी हमारी 4000 एम्पियर है तो उसका रेटेड करंट है। पर दोस्तों हम 4000 एम्पियर की ले रहे हैं, पर ऐसा कोई फिक्स थोड़ी कि हम उस पर सिर्फ 4000 एम्पियर का ही लोड कनेक्ट करेंगे। हमारे पास आज लोड 2000 एम्पियर तक का ही है, तो हम क्या करेंगे, हम 4000 एम्पियर की तो हमारी एसीबी काम नहीं करेगी ना। तो इसके लिए जो सेटिंग होती है वो होती है आईआर सेटिंग। आईआर सेटिंग का मतलब ये होता है, एक तरह की एमसीसीबी भी आईआर सेटिंग होती है। जैसे एमसीसीबी जो हमारी होती है 1000 एम्पियर की, ठीक है, अभी हमारे पास 1000 एम्पियर का लोड नहीं है, तो हम उसको 800 एम्पियर पे भी सेट कर सकते हैं। पर इसके अंदर ये जो होता है, ये एमसीबी के अंदर नहीं होता, एमसीबी के अंदर फिक्स होता है कि 63 एम्पियर है तो वो 63 एम्पियर पे ही वर्क करेगी इसलिए, ठीक है। जैसे जैसे बड़ी चीज़ें होती है तो उसके ऊपर हम सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आईआर जो सेटिंग है, ये आईआर सेटिंग के अंदर इसका मतलब होता है ओवरलोड सेटिंग। तो ओवरलोड का मतलब जैसे आज हमारे पास ओनली लोड जो है वो ओनली 1000 एम्पियर तक है, ठीक है, हमारा 4000 एम्पियर का ब्रेकर है पर हमारे पास लोड जो है 1000 एम्पियर तक है, तो उसको सेट करेंगे हम आईआर सेटिंग में। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी धीरे धीरे बताता हूँ। उसी चीज़ में आपको बताता हूँ शॉर्ट सर्किट सेटिंग। शॉर्ट सर्किट सेटिंग का मतलब इसका होता है दोस्तों, जैसे आपने अभी सेट कर दिया 1000 एम्पियर पे, ठीक है, 1000 एम्पियर पे, पर 1000 एम्पियर पे सेट करने के बाद आप चाहते हो ना कि अगर मेरा 1000 एम्पियर ज़्यादा करंट लेने लग जावे, अगर हमारा जो कोई भी लोड है वो 1000 एम्पियर ज़्यादा करंट लेने लग जावे, हमारा कोई फॉल्ट कंडीशन हो, तो उस समय हमारी एसीबी ट्रिप होनी चाहिए। एसीबी जो है हमारी एयर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, तो वो एयर सर्किट ब्रेकर जो ट्रिप होगा वो इस कारण से होगा, ठीक है, आईएचडी से। आप मानो कि हमारा जो 4000 एम्पियर का है, ठीक है, 4000 एम्पियर का हमारा एसीबी है, 4000 एम्पियर की जगह हमने उसको 1000 एम्पियर पे सेट करा, तो हम 1000 एम्पियर पे किससे सेट करेंगे, उसको आईआर सेटिंग से सेट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों ओवरलोड सेटिंग, ठीक है। रेटेड करंट तो हमारा मैंने आपको बताया 4000 एम्पियर है, हमने 1000 पे सेट कर दिया। पर दोस्तों अब शॉर्ट सर्किट सेटिंग जो सेट होगी ना, वो हमारी इस आईआर सेटिंग के अपेक्षा से सेट होगी। जैसे हमने 1000 एम्पियर पे सेट कर दिया ना, जैसे यानी 1000 एम्पियर पे कैसे सेट करेंगे, 0.4 पे हमने कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे जो पोर्ट है ये 0.4 पे सेट कर दिया। अब दोस्तों हमारा जो इसमें जो हम सेट करेंगे आईएचडी के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना, और नीचे क्या लिखा हुआ है इंटू आई आर। इंटू आई आर का मतलब क्या है, अगर हमने जैसे 1000 एम्पियर पे सेट कर दिया आई आर को हमने 1000 एम्पियर पे सेट कर दिया, तो ये जब डेढ़ गुना जब ज़्यादा करंट होएगा ना, अगर हमने इस पर डेढ़ पे सेट कर दिया, यहाँ पे इसको डेढ़ पे सेट कर दिया, तो 1000 का डेढ़ गुना कितना हुआ, 1500 एम्पियर,
1500 एम्पियर हुआ, 1000 का डेढ़ गुना 1500 एम्पियर। तो जब 1500 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब हमारा ISD से ट्रिप होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट से ट्रिप होगा। और ये IN का मतलब मैं आपको बता चलूँ, ये होता है हमारा नॉमिनल करंट, ठीक है, नॉमिनल करंट। नॉमिनल करंट का मतलब हमारा जो मैक्सिमम जो 4000 एम्पियर है वो 4000 एम्पियर हमारा IN बोला जाएगा, रेटेड करंट जिसको बोलते हैं वो नॉमिनल करंट ही कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में IG, तो IG के ऊपर आपको दिख रहा होगा ABCDEFGH ऐसा लिखा हुआ, इसके ऊपर 1.5, 2.5 या फिर 0.4, 0.6 ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसकी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, अभी मैं आपको इनका काम बता रहा हूँ कि ISD IG है क्या। अब दोस्तों IG जो है, IG का मतलब मैंने आपको बताया था ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो ग्राउंड फॉल्ट के अंदर अभी आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, तो IG ABCD लिखा हुआ है। दोस्तों आप इसको 0.4, 0.5, 0.6 वो भी मान के चल सकते हो, जो हमारा IR की सेटिंग है वो की वही ये है। बस इसके अंदर ऐसा होता है ना, हमारे क्या ग्राउंड की फॉल्ट जो होता है, ग्राउंड का जो करंट होता है, हम इसको कंपे सेट करते हैं, तो कंपे सेट करते हैं इसके लिए ये ऐसा करंट ऐसा सेटिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ABCD लिखा होता है, ठीक है। अब चौथी चीज़ जो है II का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था इंस्टेंशन करंट। दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसके सामने सेकंड की घड़ी है, इसके सामने इसके सेकंड की घड़ी है, इसके सामने इसकी सेकंड की घड़ी है, मतलब कितना इसको डिले करना है आपको, कितने देर बाद। जैसे अगर ये इससे ज़्यादा करंट लेगा तो कितने समय बाद हमारा ट्रिप हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा करंट लेगा तो कितने समय बाद ट्रिप होना चाहिए, इसका करंट लेगा तो कितने समय बाद ट्रिप हो जाने, पर इसके सामने ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके सामने इसकी सेकंड नहीं होती है, II के सामने हमारा कभी भी सेकंड नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा क्यों नहीं होता, दोस्तों ऐसा होता है ना, इंस्टेंशन जो करंट होता है, जो मैंने आपको बताया इंस्टेंशन II का मतलब जो होता है इंस्टेंशन करंट होता है, तो दोस्तों इसके सामने नहीं होता है, इसके सामने ये जो होएगा तब ये इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगी ACB, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी करंट कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट से भी ज़्यादा खराब कंडीशन हमारी इंस्टेंशन कंडीशन होती है। इस समय हमारा ACB हमारा हैंड टू हैंड ट्रिप हो जाना चाहिए। अब जैसे इस पे डेढ़ गुना भी नहीं है, इस पे डायरेक्ट 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है। तो दोस्तों अभी हमने इसको 2 गुना पे सेट कर दिया, ठीक है, 2 गुना पे सेट कर दिया। तो ये IN का मतलब, IN मैंने आपको बताया था रेटेड करंट जो नॉमिनल करंट जो होता है, तो IN अब 4000 और हमने 2 गुना पे सेट कर दिया, तो 4000 × 2 = 8000, यानी जैसे ही अगर इसमें से 8000 एम्पियर हमारा फ्लो होएगा, 8000 एम्पियर हमारा फ्लो होगा, तो ये एकदम से इंस्टेंट ट्रिप कर देगा, ठीक है। इसके अंदर कोई सेकंड, कोई टाइम नहीं है कि आपका 5 सेकंड बाद ट्रिप होगा या 2 सेकंड बाद ट्रिप होगा, इसके अंदर इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा II के केस में। दोस्तों मैंने जितना हो सके वीडियो को छोटा पकड़ने की कोशिश करी है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।